संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कटेरिया द्वीप समूह के चार दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं। द्वीप समूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ हो गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को 8 साल की सजा सुनाई है। कार निकोबार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यातायात नियमों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और एमबी हर्षवर्धन की 26 जून को कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्तावित यात्रा के अग्रिम टिकट आज नहीं दिए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कटेरिया द्वीप समूह के चार दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में अपने प्रवास के दौरान वे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, द्वीप समूह के सांसद और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और 2 तथा जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी के प्रधानाचार्यों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री पांडिचेरी विश्वविद्यालय के फर्रुखाबाद केंद्र सहित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोर्ट ब्लेयर, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का भी दौरा करेंगे। श्री कटेरिया द्वीप समूह के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों का अवलोकन भी करेंगे। दौरे की समाप्ति पर वे 27 जून को मुख्य भूमि लौट जाएंगे। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य निदेशालय ने द्वीप समूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ कर दिया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में प्रेमनगर उचित मूल्य की दुकान संख्या 614 में इस परियोजना का परीक्षण के तौर पर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विभाग के सचिव, विशेष सचिव प्रौद्योगिकी और लाभार्थी उपभोक्ता उपस्थित थे। परियोजना के सफल परीक्षण के बाद दक्षिण अंडमान जिले की उचित मूल्य की सभी दुकानों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद इसे द्वीप समूह के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का कार्य सभी कार्य दिवसों में दुकान पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। डिगीपुर के आरके ग्राम की एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 8 साल की सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी और फरवरी 2000 के दौरान उत्पल कार नामक व्यक्ति ने लड़की के अभिभावकों के साथ मधुर संबंध बनाने के बाद लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शुरुआत में धमकी के मद्देनजर लड़की ने घर वालों को घटना की जानकारी नहीं दी। शादी हो जाने के बाद लड़की ने 6 महीने के अंदर एक शिशु को जन्म दिया। इसके बाद लड़की ने पंचायत में बलात्कार की जानकारी दी। पंचायत के सामने आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई चलती रही और इस महीने की 19 तारीख को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार सिग्गर ने उत्पलकार को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10,000 रूपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। पीड़िता को धमकाने के आरोप में 3 साल की सजा दी गई है। इस मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता SP मंडल ने की। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान गारा शर्मा आज अपना 37वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे संस्थान के सम्मेलन हॉल में आरंभ होगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। कार निकोबार जिला पुलिस की ओर से हाल ही में कार निकोबार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में यातायात नियमों और सड़क संकेतों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। RTO कार निकोबार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस और RTO के अधिकारियों ने उपस्थिति को नियमों और संकेतों से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निकोबार जिला पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार सिंह की निगरानी में SDPO कार निकोबार N रशीद ने किया। कृषि विभाग के सम्मेलन कक्ष में कल से कृषि और इससे संबद्ध विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कृषि सचिव R मेनका ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि वे सक्रिय रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। कृषि निदेशक डॉ GS पांडे ने कहा, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से विस्तार अधिकारियों के कौशल विकास में सहयोग मिलता है। कार्यक्रम में हैदराबाद के विस्तार शिक्षा संस्थान के निदेशक डॉ सूर्यमणि और डॉ भूपई राज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 30 कर्मचारी भाग ले रहे हैं।